दीदी मैगी बना दो यार। अरे दीदी बर्गर मंगवाया था, जरा ले लोगे यार प्लीज। तो भाई ये हो गए आजकल के लोगों की जिंदगी क्वारंटाइन में रहके। तो आपको ये चीज सही लग रही है क्या? क्योंकि मेरे को ये तो बिल्कुल भी सही लग रही। तो हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज आयुष हियर एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। सो गाइस आज इस वीडियो में ना मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह के लोग होते हैं जो कि क्वारंटाइन में क्या क्या करते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। तो गाइस बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, एज यू गाइस ऑल नो कि इस वक्त सब अपने अपने घर में बैठे हैं और कोई भी बाहर नहीं जा पा रहा है, तो इस वक्त हमें कितनी ज़रूरत है हमारी बॉडी को कि वो फिट रहे। तो इसलिए आज की इस वीडियो में आपको वही सब चीज़ें बताने वाला हूँ कि आप अपनी बॉडी को किस तरह से फिट रख सकते हैं। बहुत बेसिक एक्सरसाइज हैं, यू कैन फॉलो दिस एक्सरसाइज एट योर होम। आपको किसी भी तरह की इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, आप बहुत आराम से ये फॉलो कर सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है फॉलो करना। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि आपको अपनी बॉडी को टोन करना है या फिर बॉडी बिल्डिंग करनी है, इट इज़ मोर अबाउट योर बॉडी बीइंग फिट। बिकॉज आज के इस टाइम में हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम हो गई पहले कंपेरिजन में, और आज के इस टाइम में हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो फिट रहे। तो अभी आप जो वीडियो देखेंगे उसमें आपको सारी एक्सरसाइज बताऊँगा कैसे आप क्या क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले हमें एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, वो है कि हमें पहले वार्म अप करना है। क्योंकि अगर हम वार्म अप नहीं करेंगे तो हमारे इंजरी बढ़ने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे फॉर अ लॉन्ग रन। तो इसलिए हमें उस चीज़ का ध्यान रखना है और सबसे पहले हम वार्म अप कर रहे हैं। सो गाइस वार्म अप के लिए सबसे पहली एक्सरसाइज है वो है स्पॉट जॉगिंग। तो इसमें बेसिकली आपको कुछ भी नहीं करना है, इसमें आपको दौड़ना है बट एक ही स्पॉट पर रह के। मैं भी दौड़ रहा हूँ बट एक ही स्पॉट पर रह के। और स्पॉट रनिंग बेसिकली क्या करती है कि आपकी कंप्लीट बॉडी को वार्म अप कर देती है। तो इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज टू बिगिन विद, एंड वार्म अप करने के लिए बहुत सी एक्सरसाइज है, पूरी बॉडी वार्म अप हो जाएगी आपकी। इनफैक्ट दो सेट्स इसके करने के बाद आपको थोड़ा थोड़ा पसीना आने लगेगा, तो इससे पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी जो है वार्म अप हो रही है। और इसका बेसिकली आपको करना क्या है कि इसके आपको दो सेट्स करने हैं 35 सेकंड्स ईच। तो जब आप ये कर लेंगे उसके बाद आप फील कर पाएंगे कि आपकी बॉडी जो है वार्म अप हो गई है। तो ये थी स्पॉट जॉगिंग। अब अगर मैं सेकंड एक्सरसाइज पर आऊँ जो कि अगेन वार्म अप के लिए है, वो है आर्म सर्कल। और ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है क्योंकि हमारे शोल्डर्स और हमारे जो आर्म्स हैं वो हर एक्सरसाइज में इन्वॉल्व रहते हैं। तो हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि हम इन दो पार्ट्स को बहुत अच्छे से वार्म अप करें। तो इसमें बेसिकली आपको अपनी आर्म से सर्कल बनाना है, और आप पहले जो 12 रेप्स हैं वो एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं एंड नेक्स्ट 12 रेप्स आप क्लॉकवाइज कर सकते हैं। और इसमें हमें एक ही सेट करना है, तो 12 एंटी क्लॉकवाइज 12 क्लॉकवाइज मिलाकर एक सेट बनेगा और आपकी ये वाली एक्सरसाइज भी हो जाएगी खत्म। अब अगर हम अपनी तीसरी एक्सरसाइज बनाए तो उसका नाम है जंपिंग जैक। ये काफी ज्यादा फेमस एक्सरसाइज है, हमने अपनी लाइफ में कभी ना कभी जरूर की होगी, लेकिन अभी हमें फर्क नहीं पड़ता कि हमने पहले किया है या नहीं किया है, बट इस वक्त हमें जरूर करनी है क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा अच्छी एक्सरसाइज है आपकी बॉडी को वार्म अप करने के लिए। इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें जंप करके आपको अपनी लेग्स को खोलना है और अपने आर्म को ऊपर लेके जाके क्लैप करना है। तो ये वाली भी जो एक्सरसाइज है ये भी कंप्लीट बॉडी वार्म अप के लिए है, इसमें आपकी पूरी बॉडी वार्म अप हो जाएगी। और इसके भी आपको 12 रेप्स करने हैं और सिर्फ एक ही सेट करना है क्योंकि एक ही सेट काफी है अपनी बॉडी को वार्म अप करने के लिए। तो गाइस अब हमारी तीन एक्सरसाइज हो चुकी है और मैं अपनी चौथी और आखिरी वार्म अप वाली एक्सरसाइज पे आऊंगा जो कि है लाइन लेग सर्कल। तो इसमें बेसिकली आपको क्या करना है, जैसा कि आप देख सकते हैं यू हैव टू लाई डाउन और दोनों लेग्स को ऊपर उठाकर आपको सर्कल बनाने हैं जितने ज्यादा वाइड हो सके उतने। तो ये एक्सरसाइज का इतनी ज्यादा इफेक्टिव है, आपको उसी टाइम फील होगा कि आपकी बॉडी एकदम वार्म हो गई है एंड यू कैन फील द पेन इन योर लोअर एब्डोमिनल एरिया जो कि मेन पार्ट यूज होता है इस एक्सरसाइज को करने के लिए। तो इट इज अ वेरी नाइस एक्सरसाइज, आपको ये करने के बाद डेफिनेटली पसीने आ जाएंगे। तो इस एक्सरसाइज में भी आपको बेसिकली सिर्फ एक ही सेट करना है, लेकिन इसमें भी आपको 10 रेप्स क्लॉकवाइज करने हैं और 10 रेप्स एंटी क्लॉकवाइज करने हैं, तभी जाके आपका एक सेट कंप्लीट होगा। तो ये थी लाइन लेग सर्कल्स, बट काफी लोगों से ये एक्सरसाइज नहीं हो पाती क्योंकि इट इज नॉट अ वेरी इजी एक्सरसाइज। तो अगर ये एक्सरसाइज आपसे नहीं हो पा रही है, यू कैन सिंपली डू लेग रेजेस। इसमें अगर आप 15 लेग रेजेस कर लेंगे तो वो भी काफी है अपनी बॉडी को वार्म अप करने के लिए। जस्ट ट्राई कि आप ये वाली एक्सरसाइज कर पाए, अगर आप नहीं कर पाते हैं तो यू कैन ट्राई लेग रेजेस एज वेल, वो थोड़ी इजी रहेगी करने को। बट दिस एक्सरसाइज इज अ वेरी नाइस एक्सरसाइज फॉर योर कोर एंड फॉर वार्म अप ऑफ योर बॉडी। तो गाइस अभी हमारी एक्सरसाइज हो चुकी है तीन, और अभी आप देख सकते हैं कि मेरे को ऑलरेडी पसीना आना शुरू हो चुका है। और अभी तक मैं बताऊं ये सिर्फ हमारा वार्म अप था।
ये अभी तक असली वर्कआउट शुरू भी नहीं हुआ था, ये सिर्फ वार्म अप था और हमें पसीना ऑलरेडी आना शुरू हो गया हुआ है। तो गाइस दीज आर वेरी गुड एक्सरसाइज, अगर आप करना चाहो तो बहुत सही है, काफी अच्छे से आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं सब एक्सरसाइज से। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप डेफिनेटली आपको पसीना आ चुका होगा अभी तक, अगर नहीं आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि अभी हमारा मेन वर्कआउट शुरू होगा। तो मेन वर्कआउट शुरू करने के लिए सबसे पहली एक्सरसाइज जो हम करेंगे वो होगा प्लैंक। प्लैंक एज यू गाइस ऑलरेडी नो कि बहुत पुरानी एक्सरसाइज है जो कि बहुत पहले से फॉलो होती आ रही है और आपको ऑलरेडी पता भी होगा कि कितनी इफेक्टिव एक्सरसाइज है स्पेशली हमारे कोर एरिया के लिए। एंड इस वक्त हमें इस इफेक्टिव एक्सरसाइज का फुल यूज करना है। तो सबसे पहले मैं जो आपको प्लैंक दिखाऊंगा वो एक नॉर्मल प्लैंक है जिसमें कि आपको अपनी आर्म्स और अपने पैरों के सपोर्ट पर अपने कोर को लिफ्ट करना है और आपको उसी पोजीशन में रहना है फॉर एटलीस्ट 35 to 45 seconds। जो लोग ये ऑलरेडी करते आ रहे हैं वो तो डेफिनेटली ये 1 मिनट से भी ऊपर, 1-2 मिनट 3 मिनट भी कर सकते हैं, बट फॉर बिगिनर्स इफ यू जस्ट डू इट फॉर 35 to 45 seconds इट इज एनफ। और इसके भी हमें 2 sets करने हैं और काफी सिंपल एक्सरसाइज है बट बहुत ज्यादा जरूरी एक्सरसाइज है तो ये जरूर करना। तो ये था हमारा नॉर्मल प्लैंक। अब हम अगर प्लैंक की बात कर ही रहे हैं तो एक एडवांस प्लैंक भी है जो कि थोड़ा सा टफ रहता है इससे, उसको हम कहते हैं 45 degree प्लैंक। उसमें क्या करना है आपको बेसिकली कि आपको एक 45 degree का एंगल बनाना है इसी पोजिशन में बट एक 45 degree के एंगल के साथ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं एक स्टूल यूज कर रहा हूँ, इसमें आप एक स्टूल या फिर एक चेयर कुछ भी ऐसी चीज यूज कर सकते हैं जिसमें कि आपको अपनी आर्म जो है उस स्टूल या चेयर के ऊपर रखनी है और प्लैंक पोजीशन पे रहना है फॉर 35 to 45 seconds। अगेन फॉर बिगिनर्स, अगर आप ऑलरेडी करते आ रहे हैं तो यू कैन डू इट फॉर मोर टाइम एज वेल, बट मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि आप अभी बिगिनर हैं तो इसलिए आप 35 to 45 seconds के लिए अपनी प्लैंक पोजिशन में रहेंगे विद योर आर्म्स ऑन अ स्टूल और अ चेयर। तो ये है थोड़ा सा एडवांस और थोड़ा सा टफ रहेगा। एंड गाइस इन दो जो मैंने आपको ये जो प्लैंक्स बताए हैं इनमें एक ट्रिक रहती है कि आप प्लैंक तो कर लोगे बट आपको अपना जो कोर है जो एब्सुलर एरिया है ना उसको मतलब कॉन्ट्रैक्टेड रखना है। जब आप अपने कोर या एब्सुलर एरिया को 35 to 45 seconds के लिए कॉन्ट्रैक्ट करके रखोगे तो यू कैन फील बहुत ज्यादा स्ट्रेच पड़ रहा है उस एरिया में। ये एक बहुत ज्यादा सही ट्रिक है, मैं भी पहले फॉलो नहीं करता था बट मैंने अभी फॉलो करना शुरू किया एंड आई कैन सी द रिजल्ट्स इमीडिएटली। तो ये बहुत सही चीज है, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है ना तो ये बंदा जो है ना ये वाला इससे पूछ लो देख लो। तो गाइज इन दोनों प्लैंक्स जो मैंने अभी आपको दिखाया इन दोनों प्लैंक्स में एक ट्रिक ये है कि आपको अपना जो ये जो एब्स वाला एरिया है जो कोर वाला एरिया है इसको आपने बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्टेड रखना है, तो मतलब एकदम कॉन्ट्रैक्टेड रखना है तभी आपका सही इफेक्ट आएगा पूरे पूरे आपके एब्स के ऊपर। तो ये एक ट्रिक थी इन दो एक्सरसाइज की। अभी जो मैं एक्सरसाइज बताऊंगा वो है साइड प्लान और अब वो करते हैं, लेट्स गो। पूछ लिया ना, हो गया, कहा था कॉन्ट्रैक्टेड रखोगे तो फायदा होगा। तो अभी ये हो गए हमारे दो प्लैंक्स, अब हम आएंगे तीसरे प्लैंक की तरफ जिसको हम कहते हैं साइड प्लैंक जो कि बेसिकली आपके ओब्लिक्स या साइड्स के लिए है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज गाइस, जो नॉर्मल प्लैंक है और जो 45 degree प्लैंक है वो आपके मेन एब्स और कोर वाले एरिया पे काम करते हैं और ये जो साइड प्लैंक है ये आपके साइड ओब्लिक्स वाले एरिया पे काम करते हैं और ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। जितना इफेक्टिव नॉर्मल प्लैंक आपके एब्स के लिए है उतना ही इफेक्टिव ये वाला प्लैंक आपके साइड के लिए है। तो इसको भी बिल्कुल भी मिस मत करना। तो इसमें बेसिकली आपको क्या करना है कि आपकी आपको अपनी एक ही आर्म के ऊपर जो कि 90 degrees होगी आपके शोल्डर से आपको उसके ऊपर सपोर्ट लेनी है और अपने पैरों के ऊपर सपोर्ट लेनी है और पूरी बॉडी जो है आपकी इन दो चीजों के ऊपर सपोर्ट देकर इस पोजीशन में रहेगी और इसमें भी आपको 30 to 45 seconds के लिए सेम पोजीशन पर रहना है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एटलीस्ट 35 to 45 seconds के लिए इसको करें। आई नो इट इज बिट डिफिकल्ट टू स्टे इन दिस पोजीशन फॉर 30 to 45 seconds बट ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। तो इसको मिनिमम 30 to 45 seconds के लिए करना और इसमें भी 2 sets करने हैं। एक सेट में आप एक बारी राइट साइड के लिए करेंगे और एक बारी लेफ्ट साइड के लिए करेंगे। तो ये थी हमारी साइड प्लैंक और इसमें भी गाइस यही ट्रिक है कि आपको अपने कोर को ना एकदम कॉन्ट्रैक्टेड रखना है। जितना आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उतना इफेक्ट आपको फील होगा, उतना स्ट्रेच आपको फील होगा। तो गाइस ये थे हमारे 3 तरह के प्लैंक, सबसे पहला नॉर्मल प्लैंक, सेकेंड 45 degree प्लैंक और तीसरा साइड प्लैंक। बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लैंक्स हैं, अगर आप ये करेंगे तो आपका बहुत जल्दी आपकी बॉडी जो है अडैप्ट कर लेगी इन सब चीजों को और काफी फिट आप हो जाएंगे। वैसे तो फिटनेस एक या दो दिन का काम नहीं है, इट इज काइंड ऑफ अ लाइफस्टाइल विच यू लीड। एक फिट लाइफस्टाइल और एक अनफिट लाइफस्टाइल में बहुत ज्यादा अंतर है। सिर्फ एक दो दिन एक्सरसाइज करके हम नहीं बोल सकते कि हम फिट हो गए, बट इस
वक्त हमें बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम एक्सरसाइज करें और जितना फिट हो सकते हैं उतना हो जाए। तो गाइस कमिंग टू द सेकंड एक्सरसाइज ऑफ द मेन वर्कआउट जिसको हम बोलेंगे माउंटेन क्लाइंबर्स, तो ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है गाइस। इसमें आपका लेग्स, ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग और आपके कोर सबसे इन्वॉल्व होती है। इसमें बेसिकली आपको क्या करना है कि आपको एक माउंटेन चढ़ना है बट एक प्लेन सरफेस पर रहकर, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें यू हैव टू मूव योर लेग्स, दोनों लेग्स को आपको इस तरह से मूव कर रहे हैं कि आप कोई माउंटेन चढ़ रहे हैं और ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है। इसके भी आपको गाइस दो सेट्स करने हैं 15-20 सेकेंड्स ईच, तो एक सेट में आपको 15-20 सेकेंड के लिए आपको ये एक्सरसाइज करनी है और इसी तरह से आपको दो सेट्स करने हैं। तो ये आ गई हमारी माउंटेन क्लाइंबर्स। तो गाइस अभी जैसा कि आप लोग देख सकते होंगे कि हम जितनी भी एक्सरसाइज कर रहे हैं वो सब हमारे कोर से रिलेटेड है, तो वो इसीलिए गाइस क्योंकि हम बहुत ज्यादा सिटिंग कर रहे हैं, हम कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, कोई ज्यादा एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, पूरा दिन घर पे बैठे हुए हैं, तो हमारे कोर ही वो एरिया जो कि बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है इस चीज से। इसलिए हम जितनी भी एक्सरसाइज कर रहे हैं वो सब कोर के लिए कर रहे हैं ताकि वो थोड़ा स्ट्रांग हो जाए, उस पर इतना स्ट्रेस ना आ सके जितना अभी आ रहा है। इसलिए अभी जितनी भी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं उन सब में कोर की इन्वॉल्वमेंट है। तो इसलिए अभी जो भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं इससे हमारी कोई बॉडी बिल्डिंग नहीं हो रही है, बट डेफिनेटली हमारी जो कोर है और हमारी ओवरऑल बॉडी जो है वो फिट जरूर बन रही है। तो माउंटेन क्लाइंबर्स करने के बाद गाइस आपको करना है एब्स क्रंच। ये तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर एक्सरसाइज है, आपने जरूर कभी ना कभी आपने की होगी या फिर आपने किसी को देखा होगा करते हुए, बट शायद जब आपने ये देखा होगा ना तो आपको ये चीज रियलाइज नहीं होगी कि कितनी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एक्सरसाइज इन दिस लिस्ट। जितनी भी एक्सरसाइज अभी हम करेंगे उसमें सबसे ज्यादा डिफिकल्ट एक्सरसाइज मैं कहूंगा, सबसे ज्यादा नहीं बट सबसे ज्यादा डिफिकल्ट एक्सरसाइज में से एक है एब्स क्रंच, जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है बट बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। सो इट इज बेसिकली योर अपर एब्स, आपके अपर एब्स के लिए है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त वीडियो में, अगर यू हैव टू बेंड योर लेग्स और आपको अपनी जो अपर बॉडी है उसको ऊपर उठाने की कोशिश करना है, बहुत ज्यादा जर्क नहीं देना है या फिर आपको मोमेंटम नहीं यूज करना है। यू हैव टू यूज स्ट्रेंथ ऑफ योर अपर एब्स टू लिफ्ट योर बॉडी अप, और आपको इसमें भी दो सेट्स करने हैं 15 रेप्स ईच। सो गाइस ये था हमारा एब्स क्रंच और ये अपने एब्स के लिए बहुत सही एक्सरसाइज है, एकदम आपको फील होगा कि आपके एब्स को हिट कर रही है एक्सरसाइज। एंड अब हमारी जो वर्कआउट की लास्ट एक्सरसाइज है वो है लेग्स रिवर्स क्रंच, और इसको करने के दो तरीके हैं, पहला इजी वाला दिखा देता हूँ उसके बाद आपको डिफिकल्ट वाला दिखाऊंगा, तो लेट्स फॉलो। तो गाइज ये है हमारी एक्सरसाइज का इजी वाला वर्जन जिसमें कि हमें अपनी लेग्स को बेंड रखना है और लेग रेजेस करने हैं। इट इज़ एज सिंपल एज लेग रेजेस, बस आपको अपनी बेंड करनी है लेग्स और आपको जब आप ऊपर जा रहे हैं तो आपकी बॉडी को आप ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है। तो गाइज ये थी रिवर्स लेग क्रंच, ये था हमारा इजी वाला तरीका जिसमें हमने अपनी नीज को बेंड किया हुआ था, टांग को बेंड किया हुआ था और फिर हम उसको ऊपर की तरफ लेकर जा रहे थे। अब मैं आपको दिखाऊंगा डिफिकल्ट वाला, इसमें क्या करना है ना, इसमें हमें अपनी टांगें बेंड नहीं करनी है, तो गाइज ये है इस एक्सरसाइज का डिफिकल्ट वाला वर्जन। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें मैंने अपनी टांगे बिल्कुल भी बेंड नहीं की है, अब मैंने अपनी टांगे स्ट्रेट रखी हैं और मैं सीधे उसको ऊपर की तरफ लेकर जा रहा हूँ, और ऊपर की तरफ लेके जाने के बाद मैं अपनी लोअर बैक को हल्का सा लिफ्ट कर रहा हूँ, जो कि इस एक्सरसाइज का मेन मोटिव है कि आपको अपनी लोअर बैक को भी हल्का सा लिफ्ट करना है ताकि आपके लोअर एब्डोमिनल एरिया में बहुत ज़्यादा अच्छे से इफेक्ट पड़े। अब यार इस बंदे को ना बहुत ज्यादा है बोलने की, लेकिन ठीक है, मतलब जो भी बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं, तो आई डोंट माइंड। तो एक काम करते हैं, इसी बंदे को बोलने दो और मैं चलता हूँ, सो बाय बाय, टेक केयर। तो गाइस ये था हमारा मेन वर्कआउट जो कि अभी हो चुका है कंप्लीट, अब बारी आती है स्ट्रेचेस की। गाइस मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जो कि स्ट्रेचेस को ना बहुत हल्के में ले लेते हैं और उनको पता भी नहीं कि स्ट्रेचेस की इंपॉर्टेंस क्या है। सो गाइस स्ट्रेचेस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आफ्टर यू डू द वर्कआउट, क्योंकि अगर आप स्ट्रेच नहीं करोगे तो आपको इंजरी होने के चांस बहुत ज्यादा हैं, और मे बी ये शॉर्ट टर्म में आपको ना पता चले बट लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली इसका इफेक्ट आपको दिख जाएगा, जब आपके जॉइंट्स में दर्द होगी या फिर जब आपको मेजर इंजरीज हो जाएंगी तब आपको ये सब चीजें पता चल जाएंगी। तो नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द स्ट्रेचेस, और सबसे पहला स्ट्रेच मैं आपको बताना चाहूंगा जो कि है लोअर बैक के लिए, लोअर बैक स्टैटिक स्ट्रेच। उसके लिए क्या करना है, हमें वी हैव टू लाई डाउन ऑन द मैट, एंड दिखाता हूँ। वो स्ट्रेच है ग्लूट्स के लिए हमारे,
इस पार्ट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि हमने माउंटेन क्लाइंबर्स एक्सरसाइज की थी उसमें हमारे ग्लूट फील वॉल रहते हैं, तो हमें ये स्ट्रेच भी जरूर करना है। तो इसके लिए क्या करना है, अगेन वी टू लाई डाउन, अपनी एक टांग को दूसरी टांग के ऊपर चढ़ा लो और जिस टांग के ऊपर चढ़ाया है उस वाली टांग को अपने हाथों से ऐसे करके खींचो लाइक दिस। And you have to repeat the same thing for the other leg. और इसके लिए भी ध्यान रहे कि आपको 30 seconds तक करना है और बहुत ज़्यादा effective है, आपको उसी time लग जाएगा कि मेरा glutes जो है stretch हो रहे हैं। Guys, जो हमारा तीसरा stretch आ जाता है उसको हम कहेंगे hamstring stretch, जो कि hamstrings के लिए है। उसके लिए भी सेम है, आपको नीचे लेटना है मैट पर, ऐसे करके अपनी दोनों टांग स्ट्रेट रखनी है और एक टांग को उठाना है ऐसे करके और अपने हाथों की मदद से आपको आगे की तरफ खींचना है। जितना खींच पाओ उतना खींचो क्योंकि उतना सही स्ट्रेच आपको फील होगा। दूसरी काम के लिए भी, तो गाइस अभी हमारे तीन स्ट्रेचेस हो चुके हैं। सबसे पहला हमारा लोअर बैक का स्टैटिक स्ट्रेच, सेकंड था हमारा ग्लूट्स का स्टैटिक स्ट्रेच और तीसरा था हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। अब हम आएंगे लास्ट स्ट्रेच के जो है नेक्स्ट स्टैटिक स्ट्रेच। उसमें क्या करना है, सिंपल आपको सिर्फ ऐसे खड़े होना है और अपने इस हाथ से सर के इस साइड पर ऐसे करना है एंड यू कैन लिटरली फील दैट स्ट्रेच इन योर लाइक। तो ये स्ट्रेच भी आपको एटलीस्ट 30 सेकेंड्स के लिए करना है और सिमिलरली फॉर दिस साइड। तो ये स्ट्रेच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो हमारा आखिरी स्ट्रेच एंड अब वीडियो को एंड करते हैं। लेकिन एंड करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये तो हमारा वर्कआउट सिर्फ एक घंटे का होगा, शायद से एक घंटा भी शायद 45 मिनट्स का होगा, बट आपको फुल डे एक्टिव रहना है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर घंटे ट्राई करो कि आप 250 स्टेप्स चलो, कुछ भी अपनी कुछ स्मार्ट वॉच या फिर फिटबिट या फिर कोई भी बैंड यूज़ करो जो कि आपको याद दिलाता रहे कि आपको हर घंटे में 250 स्टेप्स कम्प्लीट करने हैं। क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे तो आप एक ही जगह पर बैठे रहोगे, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। हालांकि आप एक्सरसाइज कर रहे हो एक घंटा, बट बाकी का पूरा दिन आपको सिर्फ बैठना नहीं है, आपको चलना है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप वो चीज़ भी बहुत अच्छे से बोलोगे। सो गाइस दिस इज इट फॉर टुडे, आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू लाइक द वीडियो डू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको सबसे अच्छी एक्सरसाइज कौन सी लगी इन सब में से, और डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली क्योंकि इस वक्त सबको फिट रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी अगर फिट रहेंगे तो आगे फिट रह पाएंगे, इसलिए शेयर करो और लाइक भी करो और कमेंट भी करो एंड ऑल्सो गाइस फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, माई इंस्टाग्राम आईडी इज आयुष_सुदन। दिस इज इट, खत्म करते हैं आज की वीडियो। सो बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।